खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा चालान ओडिशा में कटा, ट्रक ड्राइवर पर लगा 6.5 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने देश में समान आचार संहिता की वकालत की, कहा इतने साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होना शर्मनाक, गोवा के कानून को बताया अच्छा उदाहरण। दिल्ली में असामाजिक तत्वों ने बंगाली मार्केट के पास बाबा रोड के बोर्ड पर कालिख पोती, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, एमसीडी ने की सफाई। दिल्ली में जिस जगह बाबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोती गई है वहां हिंदू सेना के छोटे छोटे स्टिकर लगे मिले हैं। सीसीटीवी के जरिए कालिख पोतने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने पीडीपी नेता के सुरक्षा गार्ड से छीनी AK-47 राइफल, तलाश में जुटी सीआरपीएफ। एमपी के होशंगाबाद में एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह पर लगाए गंभीर आरोप, बंधक बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। एमपी के आगर मालवा में नदी की उफनती धारा के बीच फंसी कार, कार में 3 लोग सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। यूपी के मेरठ में हॉलीडे पैकेज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद। यूपी के लखनऊ में लोहिया ट्रस्ट को राज संपत्ति विभाग ने खाली कराया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्यवाही, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले को भी खाली करवाया गया। सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और गैंगस्टर भरत नेपाली के खिलाफ 12 नए केस रजिस्टर किए, मर्डर, किडनैपिंग, वसूली और हथियारों की तस्करी समेत कई मामलों में दर्ज हुए केस। बिहार के पटना में लोगों ने पेश की गांधीगिरी की मिसाल, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लोगों को गुलाब दिया। ट्रंप ने की ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा लादेन की मौत की पुष्टि, अमेरिका के आतंक विरोधी ऑपरेशन में ढेर हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, भारत ने कहा कश्मीर पर बात करने से पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान, सिंध और दूसरे इलाकों में हो रही हत्याओं पर ध्यान दे। सऊदी अरब में सरकारी तेल कंपनी अरामको की 2 बड़ी रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमला, गृह मंत्रालय मामले की जांच में जुटा।